कार्तिक मास अध्याय 22 की कथा आरंभ होती है एक प्राचीन और दिव्य नगरी से, जिसका नाम था पुण्यधरा। इस नगरी की शोभा और वैभव का कोई सानी न था। यहाँ के लोग धर्म कर्म में निष्ठावान थे और विशेषकर कार्तिक मास में हर परिवार यज्ञ, पूजन और व्रत का पालन करता था। इस नगरी में एक साधक था जिसका नाम था महर्षि अत्रिनंदन। अत्रिनंदन एक उच्च कोटि के तपस्वी थे जिन्होंने अपने संकल्प और धैर्य से कई कठिन साधनाएं पूर्ण की थी। कथा कहती है कि एक बार कार्तिक मास की पूर्णिमा पर अत्रिनंदन ने भगवान विष्णु की आराधना करते हुए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ केवल शक्ति और आस्था से संपन्न था और इसे संपन्न करने के लिए उन्होंने कड़े नियम बनाए थे। अत्रिनंदन ने 7 दिनों तक निर्जल व्रत का संकल्प लिया और प्रतिदिन प्रातः काल में गंगा स्नान कर यज्ञ की अग्नि में आहुति दी। जैसे जैसे यज्ञ की अग्नि धधकती वैसे वैसे देवताओं का आसन हिलने लगता। देवराज इंद्र तक इस तप की आभा को महसूस करने लगे। उन्होंने सभी देवताओं को आकाश सभा में बुलाया और कहा, इस साधना का परिणाम क्या होगा? यदि अत्रिनंदन इसी प्रकार अपने तप और यज्ञ को पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न करते रहे तो पृथ्वी लोक में एक नई शक्ति का उदय होगा जो स्वयं हमारे अस्तित्व को भी चुनौती दे सकती है। ये सुनकर सभी देवताओं के मन में चिंता उत्पन्न हुई, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। अत्रिनंदन का तप निष्कलंक और सत्यनिष्ठा से भरा हुआ है। उनका उद्देश्य केवल परम ज्ञान की प्राप्ति है, हमें उन्हें बाधा नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अत्रिनंदन का यज्ञ आगे बढ़ा और उनकी तपस्या ने नगरी को दिव्यता से भर दिया। अब नगरवासी उनकी उपासना के प्रभाव से प्रेरित होकर स्वयं भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करने लगे। धीरे धीरे उस नगरी में एक नई चेतना का संचार होने लगा। हर घर में तुलसी का पूजन और गंगा स्नान के साथ कार्तिक मास की विशेष कथाएं सुनाई जाने लगी। अत्रिनंदन का यज्ञ और साधना जब अपने चरम पर पहुंची तो उनके तप की ऊर्जा से एक अद्भुत घटना घटित हुई। उस रात जब पुण्यधरा नगरी में कार्तिक पूर्णिमा का चंद्र उदित हुआ तो उसकी चांदनी में एक दिव्य प्रकाश आच्छादित होने लगा। ये प्रकाश इतना तेजस्वी था कि नगरवासी अचंभित होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि चंद्रमा से उतरकर एक दिव्य मूर्ति नगरी की ओर आ रही थी। वह मूर्ति और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु का प्रतिरूप थी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र और शंख के साथ प्रकट होकर अत्रिनंदन के यज्ञ वेदी के समीप पहुँचे। अत्रिनंदन उनकी उपस्थिति से अभिभूत होकर भूमि पर दंडवत प्रणाम में लीन हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे और उनका शरीर उस अनंत आनंद में डूब गया जिसे केवल भगवत दर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान के साथ अत्रिनंदन को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे महर्षि अत्रिनंदन, तुम्हारा तप और साधना अतुलनीय है। तुमने अपने संयम और त्याग से देवताओं को भी मोहित कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ, जो चाहो मांग लो। अत्रिनंदन ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु मेरा एकमात्र संकल्प ये है कि मेरी साधना से ये पुण्यधरा नगरी सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहे। यहाँ के लोग सदैव आपके चरणों में निष्ठा रखें और इस नगरी की रक्षा स्वयं आप करें। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हारी ये नगरी सदा धर्म के मार्ग पर चली जाएगी और यहाँ के लोग कार्तिक मास का अनुष्ठान करने पर विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस नगरी में जो भी श्रद्धा से कार्तिक मास में स्नान व्रत और उपवास करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उनकी दिव्य उपस्थिति के जाते ही पुण्यधरा नगरी का आकाश नक्षत्रों से और भी अधिक प्रकाशित हो गया। अब से इस नगरी में कार्तिक मास की महिमा का गुणगान हर घर में होने लगा। सभी लोग अत्रिनंदन के यज्ञ की कथा सुनते और उसी आस्था के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उस नगरी में सच्चे हृदय से कार्तिक मास का पालन करता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। कुछ समय बाद जब पुण्यधरा नगरी के लोग
भगवान विष्णु के वरदान के प्रभाव में आनंदित जीवन बिता रहे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति नगरी में प्रवेश करता है। उसका वेश अजीबोगरीब था। संपूर्ण शरीर पर धूल और राख लगी हुई थी, बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई प्रचंड शक्ति छिपी हो। नगरवासी उसकी ओर कौतूहल से देखने लगे, लेकिन उस व्यक्ति के पास से एक तीव्र ऊर्जा का संचार होता प्रतीत हो रहा था, जिससे लोग उसके निकट आने से कतराते। उस व्यक्ति ने सीधे महर्षि अत्रिनंदन का आश्रम ढूंढा और वहां पहुंचते ही भूमि पर एक जोरदार प्रणाम किया। महर्षि ने अपनी साधना से आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। अत्रिनंदन उसकी आंखों में अद्वितीय शक्ति और दर्द का मिश्रण देखकर चकित रह गए। महर्षि ने नम्रता से कहा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस पुण्यधरा नगरी में तुम्हारा क्या उद्देश्य है? वह व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए मौन रहा, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मेरा नाम विभंडक है। मैं कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, परंतु मेरी आत्मा अशांत है। मैं उस शांति और परम सत्य की खोज में भटक रहा हूँ, जिसके बिना जीवन का उद्देश्य अधूरा है। मुझे ये ज्ञात हुआ कि आपके यज्ञ के फलस्वरूप इस नगरी में भगवान विष्णु ने अपना वरदान दिया है और यहाँ उनके आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। महर्षि अत्रिनंदन ने उसे शांत और करुणा भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे विभंडक, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भगवान विष्णु के आशीर्वाद में आस्था रखता है। यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा और समर्पण है तो तुम भी इस मार्ग पर चल सकते हो, परंतु याद रखना, ये मार्ग कठिन है और यहाँ तपस्या, संयम और संकल्प की आवश्यकता होती है। विभंडक ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, महर्षि, मुझे कोई कठिनाई नहीं रोक सकती। मैं इस नगरी में रहकर कार्तिक मास का अनुष्ठान और व्रत करना चाहता हूँ। मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अत्रिनंदन ने उसे कार्तिक मास के नियम समझाए और कहा कि ये मास त्याग, तप और संकल्प का है। विभंडक ने ये सुनते ही व्रत करने का संकल्प लिया और कार्तिक मास का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विभंडक की तपस्या गहराती गई। उसके तप से एक बार पुनः पुण्यधरा नगरी में ऊर्जा का संचार हुआ और नगरवासी विभंडक के तप की शक्ति से प्रभावित होने लगे। विभंडक के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन हो रहा था। उसके अशांत मन में धीरे धीरे शांति का संचार होने लगा। लेकिन कथा का रहस्य अब भी समाप्त नहीं हुआ है। विभंडक की साधना के अंत में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे भगवान विष्णु के आशीर्वाद का एक नया पक्ष उजागर होने वाला था। विभंडक की साधना का परिणाम क्या होगा? क्या वह उस परम शांति को प्राप्त कर सकेगा जिसके लिए वो वर्षों से भटक रहा था? जैसे जैसे कार्तिक मास की तिथि बीतने लगी, विभंडक की तपस्या गहराती गई। उसकी साधना में अब तक की कठिनाइयों और अनुभवों का मिश्रण एक अद्भुत परिवर्तन का संकेत दे रहा था। हर दिन वह सूर्य के साथ उठता, गंगा स्नान करता और फिर ध्यान में लीन हो जाता। उसकी आंखों में एक नई आभा थी, जैसे वह न केवल अपने भीतर के अंधकार को मिटा रहा हो बल्कि उसे दिव्यता का एहसास भी हो रहा हो। इस बीच पुण्यधरा नगरी के निवासी उसकी साधना से प्रेरित होकर स्वयं भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने व्रत और अनुष्ठान करने लगे। विभंडक की उपस्थिति ने नगरवासियों में एक नई जागरूकता का संचार किया। सभी ने एक साथ मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की और नगर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा। किसी भी साधक के जीवन में जब वो तप और साधना के पथ पर चलता है, तब एक समय आता है जब उसे अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। एक दिन जब विभंडक ध्यान में था, अचानक उसकी अंतर्दृष्टि में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसे विजन्स में एक दिव्य महाकाय रूप दिखाई दिया जो उसके सामने प्रकट हुआ। यह रूप और कोई नहीं, भगवान विष्णु थे। विभंडक की आंखें खुल गई और उसने देखा कि भगवान की उपस्थिति ने उसके चारों ओर एक अद्वितीय प्रकाश फैला दिया था। भगवान विष्णु ने मधुर आवाज में कहा, हे विभंडक, तुम्हारी साधना की गहराई और तुम्हें उत्पन्न भक्ति ने मुझे यहाँ आकर्षित किया है। तुमने अपने हृदय में सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ मुझे पुकारा है। तुम्हारी तपस्या ने
तुम में शक्ति का संचार किया है। मैं तुम्हारे समर्पण को देखकर प्रसन्न हूँ। विभंडक ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, प्रभु मैं केवल आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं कैसे इस संसार में शांति और सद्भाव ला सकूं। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे विभंडक, तुम्हारी साधना का फल ये है कि तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई और परम ज्ञान प्राप्त होगा। तुमने जिस प्रकार अपने भीतर के अशांत मन को संयमित किया है, उसी प्रकार तुम संसार में भी शांति का संचार करोगे। तुम्हारी साधना का परिणाम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए लाभदायक होगा। ये सुनकर विभंडक का हृदय संतोष और आंतरिक शांति से भर गया। उसने अनुभव किया कि उसकी साधना ने उसे केवल व्यक्तिगत शांति नहीं दी बल्कि वो अब एक माध्यम बन गया है जिससे अन्य लोग भी इस शांति का अनुभव कर सकें। कुछ दिनों बाद जब कार्तिक मास का समापन निकट था, विभंडक ने अपने अनुभवों को नगर वासियों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसने सबको एकत्रित किया और अपने तप की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे भगवान विष्णु की कृपा से वह अपने भीतर की अशांति को मिटा पाया और एक नई जीवन दृष्टि प्राप्त की। नगर वासियों ने उसके अनुभवों को ध्यान से सुना और विभंडक के समर्पण और तप को देखकर सभी ने उसकी स्तुति की। उन्होंने ठान लिया कि वे भी अपने जीवन में इसी प्रकार की साधना और तप का पालन करेंगे। विभंडक ने उन्हें कार्तिक मास के महत्व और इसके अनुशासन को भी समझाया जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। लेकिन इस बीच एक नई चुनौती भी उभरने लगी थी। नगर में एक साधु बाबा आए जो अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली माने जाते थे। उन्होंने विभंडक की साधना और उसके प्रभाव को सुनकर उसे चुनौती देने का निश्चय किया। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें परीक्षा में डालूंगा। यदि तुम सच में इस साधना के योग्य हो तो तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे। विभंडक ने शांत होकर कहा, हे साधु बाबा, मैं केवल अपने अनुभवों को साझा करूंगा, परंतु यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। साधु बाबा की चुनौती ने पुण्यधरा नगरी में एक नई हलचल पैदा कर दी। सभी नगरवासी उत्सुकता से देख रहे थे कि विभंडक इस परीक्षा को कैसे पार करेगा। साधु बाबा ने अपने आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबको कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब देखें कि क्या ये साधक वास्तव में अपने ज्ञान और साधना में सक्षम है। मैं उसे प्रश्न पूछूंगा और यदि वो उत्तर नहीं दे सका तो उसकी साधना की महिमा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। विभंडक ने गहरी सांस ली और बाबा की ओर देखा। उसका मन शांत था क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। साधु बाबा ने पहले प्रश्न के रूप में पूछा, हे विभंडक, बताओ वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को उसके अपने विचारों से मुक्त कर सकती है। विभंडक ने बिना झिझक के उत्तर दिया, हे साधु बाबा, वह शक्ति है प्रेम। प्रेम के द्वारा मनुष्य अपने डर और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। जब प्रेम की अनुभूति होती है तब मन में शांति का संचार होता है और व्यक्ति अपने विचारों को संयमित कर पाता है। साधु बाबा ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अच्छा तुमने पहला उत्तर ठीक दिया, परंतु अब मैं तुमसे एक और कठिन प्रश्न पूछता हूँ। बताओ मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। विभंडक ने बिना समय गवाए कहा, सच्चाई और ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत होती है। जब मनुष्य सच्चाई के मार्ग पर चलता है और ज्ञान की खोज करता है तब वो हर प्रकार की असुरक्षा और भय से मुक्त हो जाता है। बाबा ने अपने प्रश्नों का स्तर और भी बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अब बताओ मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है। इस बार विभंडक ने गहराई से सोचा लेकिन उसका मन स्पष्ट था। उसने कहा, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है त्याग और समर्पण। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जीता है तब वह मोक्ष के निकट पहुंचता है। साधु बाबा ने उसकी बातों को सुनकर फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो उत्तर दिए हैं वे बुद्धिमत्ता से भरे हुए हैं, परंतु अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। बताओ एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है।
विभंडक ने अपनी आँखों में दृढ़ता लाते हुए उत्तर दिया, एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। धैर्य के बिना साधना अधूरी रहती है। धैर्य ही वो गुण है जो साधक को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और अंततः उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। इस उत्तर पर साधु बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी आँखों में एक चमक लाते हुए बोले, तुमने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम्हारी साधना और ज्ञान वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी साधना को और भी गहराई में ले जाकर अन्य लोगों को भी प्रेरित करो। नगरवासी ताली बजाने लगे और विभंडक की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने देखा कि साधु बाबा ने विभंडक की साधना और ज्ञान को स्वीकार कर लिया है। विभंडक ने साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद साधु बाबा, मैं केवल आपकी कृपा का पात्र हूँ। इस घटना के बाद विभंडक ने साधु बाबा के साथ मिलकर नगरवासियों के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। उन्होंने ये ठाना कि इस यज्ञ के माध्यम से सभी लोग प्रेम, सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चल सकें। यज्ञ की तैयारी धूमधाम से की जाने लगी और नगरवासी अपने हृदय में उत्साह और श्रद्धा लेकर इसे संपन्न करने के लिए जुट गए। यज्ञ के दिन समस्त नगरवासी एकत्र हुए और विभंडक ने यज्ञ की विधि का संचालन किया। उन्होंने नगरवासियों को प्रेम और सद्भाव के महत्व के बारे में बताया। इस यज्ञ का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं बल्कि सामाजिक एकता और समर्पण भी था। जब यज्ञ संपन्न हुआ तब भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से विभंडक और सभी नगरवासियों पर एक नई ऊर्जा का संचार किया। यज्ञ के अग्नि में से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ जिससे सभी का हृदय आनंदित हो गया। यहाँ से पुण्यधरा नगरी का नाम अब एक नए रूप में प्रसिद्ध होने लगा। विभंडक और साधु बाबा की मिलन से नगरवासियों में एकता और सच्चे प्रेम का संचार हुआ। लेकिन इस घटना के बाद एक और अद्भुत घटना घटित होने वाली थी। एक दिन नगर में एक वृद्ध महिला आई जो एक प्राचीन रहस्य को लेकर आई थी। उसका नाम देवी चंदना था और वह एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्विनी महिला मानी जाती थी। देवी चंदना एक प्राचीन तपस्विनी जब पुण्यधरा नगरी में पहुंची तो उसके आगमन ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी आंखों में एक गहरी चित्ता और चेहरे पर अनुभव का भार था। वह सीधे विभंडक के पास पहुंची और कहा, हे विभंडक, मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। ये संदेश तुम्हारी साधना और तपस्या के आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी नगरवासी उत्सुकता से सुनने लगे। देवी चंदना ने कहा, मैंने वर्षों तक तप किया है और अंत में मुझे एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। इस दर्शन में मुझे बताया गया कि इस समय का सबसे बड़ा संकट मानवता पर मंडरा रहा है। यह संकट केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक भी है। विभंडक ने चिंतित होते हुए पूछा, क्या आप विस्तार से बता सकती हैं, देवी? देवी चंदना ने कहा, इस संकट का मुख्य कारण है मानवता का आपस में बिखराव और प्रेम का अभाव। लोगों के मन में द्वेष और ईर्ष्या बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें एकजुट होना होगा। साधु बाबा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तो क्या हमें फिर से यज्ञ का आयोजन करना चाहिए? क्या यह संकट दूर करने का एक उपाय हो सकता है? देवी चंदना ने सिरनाद करते हुए कहा, यज्ञ एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है लेकिन इसके साथ हमें लोगों के मन में प्रेम और एकता का संचार भी करना होगा। इसके लिए हमें सभी धर्मों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को एकत्र करना होगा। विभंडक ने तुरंत योजना बनानी शुरू की। उसने नगरवासियों को एकत्र किया और देवी चंदना के संदेश को साझा किया। सभी ने सहमति व्यक्त की और ये तय किया गया कि एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग भाग लेंगे। समारोह का दिन आया। सभी नगरवासी साथ ही आसपास के गांवों के लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ समारोह में शामिल हुए। विभंडक, साधु बाबा और देवी चंदना ने मिलकर यज्ञ की तैयारी की। यज्ञ के दौरान प्रेम, सच्चाई और एकता का संदेश दिया गया।
उन्होंने सभी को एक दूसरे के साथ बांधने का प्रयास किया। जैसे जैसे यज्ञ संपन्न हुआ, वहाँ एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। यज्ञ की अग्नि के चारों ओर सभी लोग एकत्र हुए और प्रेम की भावना से एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हो गए। यज्ञ का धुआं आसमान में फैला और नगरवासियों के हृदय में एक नया उल्लास जाग उठा। इस यज्ञ के बाद नगर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। लोगों के मन में एकता और भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए कार्य करने लगे। धीरे धीरे पुण्यधरा नगरी एक नई पहचान बनाने लगी, जहाँ प्रेम और सद्भाव का वास था। विभंडक ने देवी चंदना और साधु बाबा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आप दोनों की प्रेरणा और आशीर्वाद ने हमें एक नई राह दिखाई है। हम इसे आगे बढ़ाएंगे और इस प्रेम और एकता के संदेश को फैलाएंगे। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा का ये अध्याय समाप्त होता है। इसने हमें ये सिखाया कि सच्चे प्रेम और एकता के साथ मिलकर हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कथा उन सभी लोगों के लिए है जो प्रेम, एकता और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। आपके समर्थन से ही ऐसे और भी अध्याय हमारे बीच आ सकेंगे। जय श्री राम।